भाई छाती में भाई भोले बाबा, वाह भाई वाह, सीना फाड़ के दिखा इन्होंने की है। तो भोले जी आपको दिखा नहीं कांवड़, आप इस तरह गाड़ी चला। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आ गया भाई आ गया, भोले बाबा का महीना आ गया। बोल शंकर भगवान की जय। तो जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना यानी भगवान शिव का महीना, जहाँ हर तरफ बम बम भोले की गूंज सुनाई देती है। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे महाभक्त भी हैं जो भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने के लिए कांवड़ की यात्रा लेकर निकलते हैं। और उनकी ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं होती, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों को ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है कि आप सुनकर ही दंग रह जाएंगे। तो क्या होती है कांवड़ यात्रा, क्यों होती है कांवड़ यात्रा, और कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है, और जो महिलाएं कांवड़ यात्रा लेकर जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि कांवड़ यात्रा होती क्या है। दोस्तों कांवड़ यात्रा में कांवड़िए गंगा जल उठाकर भगवान शिव के धाम लेकर जाते हैं, जिसमें शिव भक्त जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है वो गंगा जल को मटके वगैरह में भरकर शिव के धाम ले जाते हैं। अब बात करते हैं आखिर लोग कांवड़ यात्रा क्यों ले जाते हैं। पुराणों के अनुसार बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवता और राक्षसों के बीच अमृत और विष को लेकर महायुद्ध छिड़ गया था, जिसे रोकने के लिए साक्षात भगवान शिव ने विष का घूंट पी लिया और वही विष अपने गले में रोक लिया था ताकि वो उनके शरीर तक न पहुंच पाए। गले में विष होने के कारण भगवान शिव का कंठ यानी कि गला नीला पड़ गया, और यही कारण है भगवान शिव को नील कंठ भी कहा जाता है। विष की ज्वाला भगवान शिव के गले में तेजी से उबाल मार रही थी, जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर गंगा जल से अभिषेक किया, और तब जाकर महादेव के कंठ में मौजूद विष शांत हुआ। और तभी से लेकर ये मान्यता चली आ रही है कि जो कोई भी गंगा जल को लेकर भगवान शिव के धाम जाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। आइए जानते हैं कि आखिर कांवड़ कितने प्रकार की होती है। सामान्य कांवड़, दोस्तों ये सबसे सरल और सबसे ज्यादा की जाने वाली कांवड़ है। कई सारे लोग सामान्य कांवड़ को पैदल कांवड़ भी बोलते हैं। हालांकि सामान्य कांवड़ ले जाने वाले कांवड़ियों को एक फायदा होता है कि वो सरकार द्वारा बनाए जाने वाले स्टैंड पर अपना कांवड़ रख कर कहीं भी विश्राम कर सकते हैं। इनके विश्राम के लिए जगह जगह पर शिविर बनाए जाते हैं। खड़ी कांवड़, दोस्तों आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये कांवड़ खड़ी रहती है, जिसकी वजह से ये सामान्य कांवड़ से बहुत ही ज्यादा मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि इसे ना तो जमीन पर रख सकते हैं और ना ही स्टैंड पर। ऐसे में अगर किसी कांवड़िए को विश्राम करना है तो उसे अपनी कांवड़ अपने साथी को देनी पड़ेगी। इसी वजह से कई लोग ग्रुप बनाकर खड़ी कांवड़ को ले जाते हैं, ताकि अगर किसी को विश्राम करना हो तो उसकी जगह दूसरा साथी कांवड़ को उठाकर ले जाए। दांडी कांवड़, दोस्तों इस कांवड़ का नाम में ही दंड छुपा हुआ है, और इसीलिए इसे दांडी कांवड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कांवड़िए गंगा जी से जल लेकर शिव मंदिर तक यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं, जिसमें कांवड़िए पूरे रास्ते को अपने शरीर की लंबाई से नापते हुए आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि इसे सबसे मुश्किल कांवड़ कहा जाता है, जिसमें कांवड़िया बिल्कुल भी विश्राम नहीं कर पाते और लगातार जमीन पर लेटने और फिर उठकर खड़े हो जाने की वजह से उनके शरीर पर काफी ज्यादा घाव हो जाते हैं। कई बार तो कांवड़ियों को चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है, इस कांवड़ को ले जाने में कांवड़ियों को कभी कभी एक या फिर दो महीने का वक्त भी लग जाता है। तभी तो इस कांवड़ को पूरा करने में अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। डाक कांवड़, दोस्तों डाक कांवड़ बिना आराम के लगातार चलने वाली कांवड़ होती है। इसमें कांवड़िए बिना रुके अपने अपने समय सीमा पर शिव मंदिर पहुंचते हैं। असल में डाक कांवड़ में टोली बनाकर कांवड़ यात्रा की जाती है, जिसमें कांवड़िए कांवड़ को लेकर भागते रहते हैं, और जब वो थक जाते हैं तो उनका साथी कांवड़ को अपने हाथों में लेकर भागना शुरू कर देता है,
और इसी बीच जो दूसरा वाला कांवड़िया होता है वो बाइक में या फिर गाड़ी वगैरह में सफर करते हुए आता है, क्योंकि शर्त ये रहती है कि जिस इंसान के हाथ में कांवड़ है उसे रुकना नहीं है और ना ही किसी वाहन आदि का सहारा लेना है। इसलिए अगर कोई थक जाता है तो उसे गाड़ी में सवार होना होता है, तो कांवड़ दूसरे साथी को दे दिया जाता है। झांकियों वाली कांवड़, ये जो झांकी वाली कांवड़ होती है इसमें 10 से 12 या फिर उससे भी ज्यादा लोगों की टोली बनाकर ट्रक, जीप या फिर किसी खुली गाड़ी में भगवान भोलेनाथ का बड़ा सा चित्र लगाकर और उस पर रोशनी डालते हुए भगवान शिव को फूलों से सजाकर तेज तेज भजन कीर्तन के साथ और भगवान शिव की झांकियों के साथ शिव मंदिर तक पहुंचाया जाता है। झांकी वाले कांवड़ में पूरे टीम झाम का जितना भी खर्चा होता है वो सभी कांवड़िए आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में जितने भी लोग इस कांवड़ की यात्रा को पूरा करते हैं उन सभी में खर्चा आधा आधा करके बंट जाता है। बाइक वाली कांवड़, दोस्तों असल में ये एक ऐसी कांवड़ होती है जिसमें कांवड़िए अपने बाइक को सजाकर गंगाजल बाइक अथवा कंधे पर लटकाकर बाइक से गंगा जी से जल लेकर अपने शिव मंदिर तक पहुंचते हैं और भगवान शिव जी का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। झूला कांवड़, दोस्तों अब बात करते हैं झूला कांवड़ के बारे में कि एक बहुत ही खास कांवड़ होती है जिसमें कांवड़ हमेशा झूलती रहती है। ऐसे में अगर किसी सहयोगी को भी झूला कांवड़ दे दी जाए तो वो भी इसे लगातार झुलाता रहता है, और अगर कांवड़ को कांवड़ स्टैंड पर लगा दिया जाए तब भी उसे झुलाना पड़ता है। झूला कांवड़ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। तो दोस्तों ये थी भारत में होने वाली कांवड़ यात्रा जिसमें कई अलग अलग प्रकार होते हैं। अब देखा जाए तो सबसे सरल सामान्य कांवड़ होती है जिसमें कांवड़ियों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो स्टैंड में कांवड़ को रखकर थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। लेकिन जो दांडी कांवड़ होती है वो सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें कांवड़िया पूरे रास्ते दंड की तरह कांवड़ को उठाए तब तक चलते रहते हैं जब तक वो भोले बाबा के ऊपर गंगा जल छिड़क कर अपने सभी पापों से मुक्त ना हो जाए। दोस्तों कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ अहम नियमों का पालन करना होता है। कोई भी कांवड़िया बिना नहाए कांवड़ को छू नहीं सकता, फिर चाहे कांवड़ यात्रा कितने भी दिनों की क्यों ना हो, और उसका नहाना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, कांवड़ लाने वाला व्यक्ति तेल, साबुन, कंघी वगैरह जैसे बाहरी चीजों का प्रयोग नहीं कर सकता। कांवड़ियों को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, और जब वो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें चमड़े से बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। चलते हुए वाहन पर भी कोई कांवड़िया अपनी कांवड़ को नहीं रख सकता। इसके अलावा कांवड़ियों को चारपाई के ऊपर लेटने और बैठने से भी मना किया गया होता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो जो भी कांवड़िया पूरे नियम और लगन के साथ कांवड़ ले जाकर गंगा जल शिव पर चढ़ाता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं, क्योंकि कई सारे पुराणों में ये लिखा गया है कांवड़ यात्रा के हर एक बढ़ते कदम के साथ कांवड़िये को एक अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है, यानी कि एक पूरी कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के पाप धुलते चले जाते हैं। यात्रा के दौरान सभी कांवड़ियों को भूला कहकर पुकारा जाता है। अगर कोई महिला कांवड़ लेकर जा रही है तो उसे भोली के नाम से संबोधित किया जाता है। आपको बता दें बहुत कम ही ऐसी महिलाएं हैं जो कांवड़ ले जाने की हिम्मत कर पाती है, क्योंकि एक बहुत ही कठिन परिश्रम होता है। लेकिन कुछ ऐसी हिम्मत वाली महिलाएं भी मौजूद है जो भोलेनाथ की भक्ति में आकर कुछ भी कर गुजरती है। तो दोस्तों ये थी हमारी खास पेशकश, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।